प्रीव्यू। अभी भी जो हमारे महिला वर्ग जो हमारे से ज्यादा पीछे हो थोड़ा मैं इस अवसर पर सभी अपने मुसलमान भाइयों को और उनके परिवार को हमारे एजेंसी पुलिस स्टेशन की तरफ से ईद रमज़ान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यूसुफ मुकाती साहब का जो रोटी बैंक है वो जो समाज कार्य कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। ये इसके लिए उन्होंने जो कुछ प्रयास किया है वो भी हम सीखने जैसे बाती है और मैं उनको आगे के कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए रोटी बैंक की जानिब से सेवा टूर्स की जानिब से हमारी यूसुफ मुखाती ये हर साल कई साल से मैं देख रहा हूँ और ये साल भी उन्होंने 27,000 कपड़ों के जोड़े बांटने का प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे पीआई एजेंसी के अशोक भंडारी साहब, हमारे शहर अध्यक्ष यूसुफ भाई और यूसुफ मुखाती की सारी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको ये कपड़ों के जोड़े देकर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होती है। मैं अपनी जानिब से अपनी फैमिली की जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले रमज़ान की ईद की सभी मेरे तमाम शहरियाने औरंगाबाद के नौजवान साथी बुज़ुर्गों माँ बहनों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मैं ईसा यासीन, हमारी संगठन की तरफ से यूसुफ मुकाती साहब को दिली मुबारकबाद देते हैं। ये जो उन्होंने काम कर रहे हैं औरंगाबाद में, सबसे पहले यूसुफ मुकाती ने रोटी बैंक कपड़ा बैंक ये शुरू किए और उसके अलावा जो है तो शहर में उनके जैसा काम बहुत कम लोग करते हैं, जो उंगलियों पे गिने जैसे अफसर खान साहब के जैसे, और हमारे व्यापारी महासंघ के इनका भी मुझे पता चला कि ये लॉकडाउन से जो है तो 200-300 लोगों को रोज़ खाना खिलाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाला जिसको चुनता है वही ये काम करता है ना, तो शहर में पैसे वाले बहुत है, चंदा जमा करने वाले बहुत है और ये लोग जो है तो अपनी जात से अफसर खान साहब जैसे और जो तो हमारे महाराज यूसुफ लीडर साहब, इन लोगों ने जो है तो जो काम कर रहे हैं तो ये अल्लाह जो है तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके गरीबों की मदद करता है, तो मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। देखिए रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट जो यूसुफ मुकाती साहब चलाते हैं ये काफ़ी दिनों से चलाते और एक समाज में अच्छा मैसेज देते और समाज में अच्छा काम करते, इसलिए मैं हमारे औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले रमज़ान के ईद उल फितर के ईद के अवसर पे मैं सभी हमारे शहर के वासियों को मुबारक पूरे शहर को मैं जहाँ जहाँ भी ये आवाज़ सुनी जाएंगी मैं सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ और सबको कहता हूँ कि आपस में भाईचारा रखिए, मोहब्बत खलूस रखिए। मुकाती साहब का जो काम है वो एक गरीबों के लिए एक हमदर्दी का काम है, यानी हमारी ईद होना गरीबों की ईद नहीं होना वो सोचते हुए हर एक की ईद एक साथ बने, ऐसा सवाल है। और जब देते हैं ये लोग कोई भी चीज़, दान बोलो, कपड़ा बोलो या व्यापारी लोग बोलो, तो जात पात नहीं देखते, ये देखते हैं कि गरीब है क्या, कौन है, इसको देखा जाता। तो मेरी गुजारिश है इस स्टेप पर देश में जात पात बहुत चढ़ा है, तो जात पात छोड़ के आप ऐसे कामों को आइए ताकि लोग याद रखें। अब कई जगह होता है कि भाई मिसाल देते हैं रामराज की, रामराज में राम जी ने जुल्म नहीं किए, तुम जुल्म मत करो, ये यहाँ पर मोहब्बत रूप से लेके चलो, हर समाज में चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सबको चलो। इस्लाम ने भी सिखाया पैगंबर साहब ने कि भाई अपर गरीबों का ख्याल रखे, वैसे राम जी भाई कहे कि भाई अपर गरीबों का, तो ये यहाँ पर जात पात छोड़ते हुए जो काम, ये जो मुकाती साहब का काम है आप इसको देखिए कि जात पात छोड़, मुकाती साहब के जो दोस्त है पूरे व्यापारी हिंदू समाज के, अरे सब समाज को साथ लेके चलना, ये बहुत बड़ी खास बात है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा ये व्यापारी खाना खिला रहे वो जात पात ही देख रहे, वो चाह रहे कि भगवान ने हमको दो दिया है हम कैसा लोगों को दे। मुकाती साहब का भी काम और साल भर उनका काम चालू रहता, गरीबों की रोटी खाना। कई लोग ऐसे हैं जो घर में गरीब है खामोशी से आके लेके जाते हैं ताकि पता भी नहीं चलता कुछ ऐसे लोग हैं। तो मैं अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे ही चाहता हूँ शहर को कि यह भाईचारा आपस में रखे। अगर हम भाईचारा मोहब्बत रखेंगे तो अपने में खानदान में मोहब्बत होगी, खानदान महल्ले में मोहब्बत होगी और देश की मोहब्बत होगी। तो हमको देश को अगर संभालना है तो आपस में भाईचारा बहुत ज़रूरी है। एक अल्लाह हाफिज़ जाएंगे, बहुत ही एक खुश माहौल जो है एक बना हुआ है। एक पहली तो बात है रमज़ान का महीना है और दूसरी जो है ईद जो है कुछ दिनों के बाद आने वाली है। इस ईद के मौके पे मैं अपनी तरफ से, अपनी समाज की तरफ से और
व्यापारी महासंघ की तरफ से सभी जो है मुस्लिम भाइयों को जो है तो बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। और सर हमारे पास में ऐसा स्लोगन है कि ये ज़कात जो है, ज़कात और सदका, तो ज़कात जो निकालते हैं उसके पीछे का ये है कि भाई पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलूचिए ये सज्जन का काम। तो अगर पानी अगर हद से हो जाए, इसमें बढ़ जाए, या धन जो है हद से ज़्यादा आदमी के पास में हो जाए, तो इंसान का काम है कि दोनों हाथ से उठा के जो है तो वो पानी को जो है तो नाव के बाहर निकालना। उसी प्रकार जो है धन को जो है वो गरीबों में बांट देना, जो जिसको अपने पास में दसवंत बोलते हैं, ज़कात बोलते हैं, वो जो है निकालना, ये बहुत बड़ा स्वभाव का काम है। और इसमें जो है मुकाती साहब जो है हमारे जो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा महान कार्य है। क्यों तो इंसान की जो है तो तीन ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये रोटी भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, रोटी बैंक है इनकी, कपड़ा बैंक है। सिर्फ एक रहेगा कि उनको जो है मकान जो है देना चाहिए। तो हम सब लोगों के शहरवासियों का हमारा काम है कि उनकी मदद करें और गरीबों को जो तो घर मिले, ये मेरी आशा के साथ में मैं अपने शब्द समाप्त कर। मैं औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ से संजू कांगरिया, यूसुफ मुकाती भाई ने जो रोटी बैंक में ये जो काम करते, ये तारीफ़ काबिल है। और कोई भी धर्म रहो, मुसलमान रहो, हिंदू भाई रहो, जिसमें दान देने के बाद वो कई पट से बढ़ता है और उसको पुण्य बढ़ता है, कोई भी साथ में कुछ लेके जाने वाला नहीं। तो अपने हाथ से यूसुफ भाई जितना काम कर रहे, मैं अल्लाह से यही प्रार्थना करूँगा उनको बहुत बहुत उनके हाथ से और अच्छे काम हो। और हम व्यापारी महासंघ के उनको कभी भी कुछ भी लगा, हम लोग तो तत्पर भी है और हम उनके लिए कभी भी तैयार है। और ये गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और ये यूसुफ भाई पूरे औरंगाबाद संभाजी नगर में नहीं, पूरे मराठवाड़े में इनका ये रोटी बैंक चले, ये अल्लाह से शुक्रिया करता हूँ। आज ये रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का जो ये उपक्रम है, मैं 3 साल से यहाँ आता हूँ, लास्ट ईयर भी आया था, उसके पहले भी आया था। बहुत ही अच्छा ये उन्होंने उपक्रम चालू किया है। जो आपके पास है और जो ज़्यादा है वो दूसरे को देने में, इतना इससे ज़्यादा कोई बढ़िया काम नहीं है। और यूसुफ भाई मुकाती इस रोटी बैंक के ट्रस्ट के जरिए ये काम कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। इन्होंने, इनसे लोगों ने सीखना चाहिए। और मैं ऐसा ही ये सिलसिला आगे और ज़्यादा बढ़ते रहे, मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी मुस्लिम भाइयों को आने वाली ईद को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ इस रोटी बैंक को आगे भी सपोर्ट करेगा और अभी भी सपोर्ट करते आ रहा है। धन्यवाद। चलो मामू।